नमस्कार, खबरें खटाखट में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी मंत्रियों को एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में यह कहा गया है कि सभी मंत्री 14 और 15 सितंबर को अपने अपने प्रभारी जिलों का दौरा करें, बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि से संबंधित हालात का जायजा लें और अधिकारियों के साथ बैठक करें। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपे। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मंत्रियों को आदेश जारी कर दिया है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने मंत्रियों और विधायकों के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में निर्वाचन आयोग ने मंत्रियों और विधायकों को चुनाव वाले क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कई तरीके से आदेश जारी किए हैं और किन परिस्थितियों में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के स्थित गादी कला गांव में शुक्रवार को नहाने के दौरान अलग अलग परिवार की तीन बच्चियां डैम में डूब गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। मृतकों में त्रिभुवन यादव के 17 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी, किशोर यादव के 17 वर्षीय पुत्री रेणु कुमारी और लक्ष्मण स्वर्णकार की 15 वर्षीय पुत्री मोनिता कुमारी है। घटना को लेकर बताया जाता है कि तीनों बच्चियां कर्मा पूजा के लिए बालू उठाने को लेकर गादी कला के ही केलू मारा डैम में नहाने गई थी। इसी दौरान एक के बाद एक तीनों डूबने लगे। शव को बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। लामू के मनातू थाना इलाके के सिमरी गांव के पास ग्रामीणों ने मनातू थाना प्रभारी की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी पंकज कुमार सहित 4 पुलिस जवान घायल हो गए, जबकि इस घटना में एक महिला भी घायल हुई है। वहीं ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को बंधक बनाने की भी कोशिश की और कुछ दूर जंगल में ले गए। दरअसल थाना प्रभारी कोर्ट के काम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को वन विभाग की गाड़ी समझकर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने हमले के दौरान मनातू थाना प्रभारी पंकज कुमार का मोबाइल भी छीन लिया। इस मामले में मनातू थाना की पुलिस ने अतिरिक्त बल की मदद से तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने शुक्रवार को सदर अस्पताल के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया। पीएम केयर्स फंड से लगाए गए इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम पूरा कर लिया गया है। अब सिर्फ पाइप का कनेक्शन जोड़ना बाकी है, जो महज कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसको लेकर जेडीयू सांसद ने सिविल सर्जन के साथ ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। राज्यभर में नगर परिषद सफाई कर्मियों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पटना में कूड़े का अंबार लग गया है। आलम यह है कि शहर के कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया है। इस बीच सफाई कर्मियों के संगठन और प्रशासन के बीच वार्ता होने वाली है। इस वार्ता से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मामले का कोई न कोई हल निकलेगा। हालांकि सफाई कर्मी अपनी 12 सूत्रीय मांगों के ऊपर अड़े हुए हैं। वहीं इस मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने कहा है कि राज्य के नगर निकायों के सभी हड़ताल कर्मियों ने संकल्प लिया है कि जब तक दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण और आउटसोर्स में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आज की बैठक में नगर विकास के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी हिस्सा लेंगे। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के कुलहिड़ा पंचायत में स्वाभिमान पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से शौचालय, विधवा और वृद्धा पेंशन के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर एक विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने पूरे गांव में रैली निकाली। महिलाओं ने कहा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिला है। रांची में आपसी विवाद में एक 15 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। घटना शहर के काके थाना इलाके की है। हत्या का आरोप पास के ही एक युवक पर लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने 4-5 दोस्तों के साथ मृतक के साथ मारपीट कर रहा था। इस दौरान एक नुकीली चीज से उसने मृतक पर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल मृतक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक पेशे से मजदूर बताया जा रहा है। देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह ने कार्यालय में क्राइम बैठक का आयोजन किया, जिसमें देवघर जिले के तमाम थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर और सभी एसडीपीओ के साथ बैठक की गई। बैठक में देवघर एसपी ने खासतौर पर अपराध नियंत्रण को लेकर रणनीति बनाते हुए सभी थाना को टास्क दिया।
देवघर एसपी ने कहा कि देवघर पुलिस का मुख्य मकसद जिले में शांति व्यवस्था कायम रखना है। इसके अलावा और लगातार बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस नए सिरे से काम कर रही है। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधानसभा में हुआ वह गलत है, अपनी बातें रखने का अधिकार सभी को है। रामेश्वर उरांव ने अपनी बातें रखी। साहिबगंज में जल मार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन जयंत सिंह पहुंचे। टर्मिनल को फंक्शनल मोड देने के लिए जहाज व्यवसायी सिंह वाहिनी ट्रांसपोर्ट कंपनी समेत अन्य व्यवसायियों के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दिल्ली के चेयरमैन ने बैठक की। 183 एकड़ में 292 करोड़ की लागत से बना टर्मिनल पिछले दो वर्षों से हाथी का दांत बना हुआ है। सकरी गली समदा गंगा नदी पर बने मल्टी मॉडल टर्मिनल को फंक्शनल रूप देने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन जयंत सिंह साहिबगंज पहुंचे। वे यहां जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता के डायरेक्टर एलके रचक की मौजूदगी में क्षेत्र के जाने माने जहाज व्यवसायी सिंह वाहिनी ट्रांसपोर्ट के मेजर्स राजेश यादव के साथ बैठक कर बंदरगाह को सुचारू ढंग से संचालित करने पर विचार विमर्श किया। उधर मुंगेर नगर निगम के सभी कर्मियों ने अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर निगम परिसर में जमकर हंगामा किया और नगर विकास मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांग को लेकर ये निगम कर्मी पिछले 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनकी मुख्य मांगों में दैनिक मजदूरों को स्थायी करने, वेतन विसंगति को दूर करने, सातवां वेतनमान लागू करने, पेंशन लागू करने सहित कई मांगें शामिल हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से इन लोगों ने 3 सितंबर को निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का 4 सितंबर को संगठन को लेकर चुनाव होने हैं। इसको लेकर बिहार चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों ने गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उनके बिहार से उम्मीदवार सीएम ज्ञानेंद्र कुमार तिवारी के पक्ष में माहौल बनाया। चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठन के सदस्यों ने ज्ञानेंद्र कुमार तिवारी को संगठन का चुनाव में जिताने का मन बनाया है। वहीं जीत का दावा करते हुए सीए धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की यह कोशिश से एकजुट होकर बिहार से इकलौते जयनेन्द्र कुमार तिवारी को वोट देकर विजयी बनाया जाए। 4 दिसंबर को चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम संगठन की ओर से तैयारी की जा रही है। वहीं सीए धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि बिहार में संगठन का कोई अपना कार्यालय नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कई डिमांड है जिसको लेकर चुनाव होने हैं और चुनाव में बिहार से अगर उम्मीदवार की जीत होती है तो बिहार तो को काफ़ी फायदा होगा। साथ ही संगठन के चुनाव में 7 राज्यों के वोटर वोट करेंगे, जिसमें बिहार से एकमात्र उम्मीदवार हैं। बागमारा धनबाद जजोत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने एक युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल इस युवक से पूछताछ चल रही है। वहीं धनबाद जज मौत मामले में सुराग देने वालों को अब 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। इस मामले में सीबीआई ने एक पोस्टर चिपकाया है। उधर शुक्रवार को सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम बरोरा थाना इलाके के लेडी डूमर पहुंची। यहां से उसने विक्रम सिंह नाम के एक युवक से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बता दें कि इससे पहले धनबाद जज मौत मामले में दोनों आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को सीबीआई की टीम गुजरात ले गई थी, जहां ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के बाद दोबारा दोनों आरोपियों को धनबाद की अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। बिहार के अधिकांश इलाकों में साथ ही साथ बेगूसराय जिले के भी एक बड़े भाग में चतुर्थी चंद्रमा पूजन का व्रत त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं निर्जला उपवास पर रहती हैं और शाम में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। इस व्रत में एक दिन पहले नहाए खाए की भी परंपरा है। व्रतियों के अनुसार अपने परिवार में सुख समृद्धि और परिजनों के दीर्घायु के लिए व्रत और उपवास किया जाता है। इस पर्व में भी छठ पर्व की तरह फल फूल और तरह तरह के पकवान से भगवान चंद्रदेव की पूजा होती है। इस त्यौहार को लेकर बेगूसराय जिले में भी खासे उत्साह का माहौल रहा और लोगों ने पर्व को धूमधाम से मनाया। फुसरो के अपना बाजार के पीछे एक होटल में अबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर मौके से भारी मात्रा में महुआ शराब और अन्य सामान बरामद किया। वहीं आबकारी विभाग की टीम को चकमा देकर होटल संचालक मौके से फरार हो गया। कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। वर्षों से बदहाल NH-80 की सूरत बदलने वाली है। दरअसल NH-80 के जीर्णोद्वार के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद की AG कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया गया है।
971 करोड़ की लागत से इसका नवीनीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। पुल और बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में जहां एनएच पर पानी लगता है वहां पीसीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि एनएच 80 की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, अक्टूबर महीने से इसका काम शुरू हो जाएगा। 10 मीटर इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। जहां एनएच पर पानी लगता है वहां ढलाई वाली सड़क बनेगी। अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया गया है। निजी क्षेत्र के रोजगारों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने के हेमंत सरकार के निर्णय पर जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने कहा कि निजी क्षेत्र के रोजगारों में 75% झारखंडी युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया जाना एक ऐतिहासिक फैसला है। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम में फैसला मील का पत्थर साबित होगा। फैसले से राज्य की समस्त जनता खासकर युवाओं में हर्ष और उल्लास का संचार हुआ है। छोटे बच्चों में वायरल फीवर का कहर बेहटा में भी देखने को मिल रहा है। बेहटा प्रखंड के अलग अलग गांव में बच्चे बुखार और सर्दी खांसी से परेशान हैं। उनके माता पिता सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल तक की दौड़ लगा रहे हैं। 3 से 8 साल के बच्चों में यह बीमारी देखी जा रही है। हालांकि कोरोना की पुष्टि अब तक किसी बच्चे में नहीं हुई है। बेहटा के रेफरल हॉस्पिटल में बच्चों के लिए एक भी बेड नहीं है। इसके बावजूद बड़े लोगों के बेड पर उन सभी बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है। वहीं जिन बच्चों की स्थिति नाजुक हो रही है उनके परिजन अपने बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं। खबरें खटाखट में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।